हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और आपको ये नहीं पता है कि आफ्टर रिलेशनशिप आपको कब तक और कितनी देर तक लेट के रहना है, कैसे सोना है और कौन सी ऐसी मिस्टेक है लेटने को लेकर के, ऑलवेज सोने को लेकर के आफ्टर रिलेशनशिप जो आपको नहीं करनी है, जिससे कि कंसेप्शन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, तो वो कार्य आपको मैं आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बहुत सारी महिलाओं की यही एक डाउट होती है कि मैम, मुझे रिलेशन के बाद में कैसे लेटना है, किस करवट लेटना है, क्या करना है, कंसीवमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए इसके लिए हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए रिलेशन के बाद, ये बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ साइंटिफिकली कि आपको कितने वक्त तक लेटे रहना चाहिए और किस तरह से आपको लेटना चाहिए, जिसकी वजह से कंसीव होने में बहुत आसानी हो जाए और प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुके आपको। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि हमारी जो साइंटिफिकली बॉडी की मैकेनिज्म है, जब आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो सबसे अच्छा वक्त तो ओवुलेशन का होता ही है, क्योंकि उस वक्त अंडा जो परिपक्व होता है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा समय मिल जाता है और वो लाइव होता है यानी जीवित होता है। इसलिए ओवुलेशन के वक्त में ट्राई तो जरूर करना चाहिए। बट जब आप ट्राई करते हैं फ्रेंड्स, तो आपके पार्टनर से यानी हस्बैंड से आपके जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी स्पर्म्स होते हैं, जितने भी उसमें सीमन होते हैं, वो सब कुछ बहुत ही काम के होते हैं। रिसोर्सेज ये बताते हैं फ्रेंड्स कि करीब 1.5 ml सीमन में 200 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, यानी करोड़ों में संख्या होते हैं स्पर्म्स के। एक हेल्दी और बहुत ही अच्छी मोर्टैलिटी, जिसमें बहुत अच्छी स्पीड हो, बहुत ज़्यादा ताकत हो, वही स्पर्म काफ़ी होता है आपके एक को फर्टिलाइज करने में और प्रेगनेंसी कंसीव कराने में। जो स्पर्म्स होती है उसकी गति बहुत अधिक होती है, लेकिन सीमन का काम क्या होता है? सीमन का काम होता है कि इस स्पर्म्स को अधिक से अधिक समय तक जीवित रखा जा सके और उसे आपके शरीर में प्रवेश कराने के लिए एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई साइंटिफिकली कि किस तरह से आपको प्रेगनेंसी रुकती है और कितनी भारी मात्रा में, कितनी भारी संख्या में आपके शरीर के अंदर जो सेल है वो बर्थ कैनाल में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं। बट फ्रेंड्स, अब बात यहीं पे नहीं ख़त्म होती है। जब आप रिलेशनशिप बना लेती हैं, उसके बाद करीब आपको 15 से 30 मिनट तक लेट के रहना चाहिए। इसका दूसरा कारण ये है फ्रेंड्स कि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। जब हम उठते हैं, किसी भी चीज़ को ग्रेविटी खींचती है अपनी तरफ। तो बाय द वे, अगर आप संबंध बनाती हैं और तुरंत झटके से उठ जाती हैं, तो सब कुछ बाहर आने के बहुत अधिक चांसेस होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यदि बहुत कम मात्रा में आपके शरीर के अंदर सेल मौजूद है तो आपको प्रेग्नेंट नहीं करा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की, आपके हस्बैंड की सेल की गुणवत्ता बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर उसमें एक सेल भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो वो आपको प्रेग्नेंट बनाने के लिए काफ़ी है। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्पीडी होते हैं, इस वजह से रिसोर्सेज बताते हैं कि 1 से 3 मिनट के अंदर ये मूव करते हैं और आपके फिलोपियन ट्यूब तक पहुँच सकते हैं। इसकी कैपेसिटी और लिविंग कैपेसिटी यानी जीवित रहने की जीवन अवधि जो होती है वो 4 से 5 दिनों की होती है। इस वजह से टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ सावधानियों को जरूर बरतिए। जैसे कि फ्रेंड्स, आप जब रिलेशनशिप बनाते हैं तो लेटे रहिए, करीब 30 मिनट तक लेटे रहना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी वजह से जो सेल आपके शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उसको ऊपर की तरफ चढ़ने में मदद मिलती है, वो भारी संख्या में ऊपर की तरफ जा पाते हैं, बाहर नहीं रिमूव होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, रिलेशनशिप डेली मत बनाइए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप डेली रिलेशनशिप बनाएंगे तो आपके पार्टनर के यानी हस्बैंड की जो डिस्चार्ज है वो बहुत पतली हो जाएगी और हेल्दी स्पर्म्स की संख्या भी कम हो सकती है। इस वजह से 1 या 2 दिन गैप करके रिलेशनशिप को बनाइए। तीसरी बात का ध्यान रखना है कि कभी भी रिलेशन बनाने के बाद वॉशरूम यूज़ करना है तो 30 मिनट के बाद करना है और उसके बाद किसी भी तरह का इंटीमेट जेल, सोप, साबुन आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एक तो ये आपकी नाजुक त्वचा के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन को न्योता देते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स ऐसा करने से सब कुछ पार्टिकल रिमूव हो सकता है, धुल सकता है।
इस वजह से आप बाहरी त्वचा को जरूर साफ कर लीजिए, लेकिन बहुत अंदर तक सफाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉडी उसे अपने आप ही रिमूव करती है जो उसके लिए यूजफुल नहीं है। वह अपने आप ही आपके निचले अंगों से बाहर चला जाता है डिस्चार्ज। इसके अलावा फ्रेंड्स, वॉशरूम में पी पास करना है या नहीं, सबसे ज़्यादा कॉमन और यूजफुल क्वेश्चन भी है। पी पास करने की बहुत सारे अर्ज महिलाओं को रिलेशन के बाद लगती है, लेकिन फ्रेंड्स इससे बचने के लिए आप रिलेशन के पहले पी पास कर लीजिए, यानी पेशाब वगैरह कर लीजिए, उसके बाद रिलेशन बनाइए और कुछ समय कुछ वक्त तक लेटे रहिए, देन उसके बाद वॉशरूम आप कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो प्रेगनेंसी रुकने की संभावना को बढ़ाने के लिए हमें रिलेशन के बाद जरूर थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए, जो आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस की है। बाकी कई सारे टिप्स हेल्पफुल आपके साथ मैं शेयर करती रहती हूँ, जो प्रीवियसली कुछ वीडियोज़ में आपको चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, उसको देखना और सीखना और समझना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपके कोई भी सुझाव हैं, मुझे मेल कर सकती हैं या मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, कंसीव करने में बहुत मदद मिलेगी। मिलती हूँ फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, एक जल्द नई वीडियो और नए हेल्पफुल टिप्स के साथ। तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।